नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। आपके इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं वो चाहे राइटिंग स्किल की हम बात करें या फिर टेक्स्ट बुक वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर की बात करें, तो वो हम इस पार्ट टू में उसको हम सॉल्व करेंगे। और एग्ज़ाम की दृष्टि से, फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट और किस प्रकार से फ़ायदेमंद हो सकता है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपके हर क्वेश्चन को, चाहे वो कोविड-19 का ऐसे हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, नोट मेकिंग समरी हो, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग जो भी है, वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। माफ़ कीजिएगा, प्री बोर्ड आपकी जो परीक्षा है उसके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पार्ट टू। ठीक है, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँ वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए, इसका एक पार्ट पहले मैं डाल चुका था जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए थे हमने। अब इसमें क्वेश्चन नंबर टू था नोट मेकिंग एंड समरी के लिए, तो इसका जो टाइटल है वो रहेगा वेयर्स देयर्स ए लिव देयर्स ए वे, मतलब जहाँ चाह है वहाँ रहा है। अब नोट्स की बात करें तो यहाँ पर नोट्स के स्थान पर आप नोट मेकिंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नोट मेकिंग। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट हेडिंग है रिसोल्यूशन, है ना, इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, इस प्रकार से ये सब हेडिंग्स आप लिख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है नेपोलियंस रिसोल्यूशन, ये हेडिंग हो गई, फिर सब हेडिंग हो गई 2.1, 2.2, 2.3। इसके बाद में डिटर्मिनेशन श्योरेस्ट कंडीशन ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो ये इसके सब हेडिंग्स हो गए। अब समरी की बात करें तो यहाँ से इस समरी को आप वीडियो को पॉज कर लें, वीडियो को रोक कर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी समरी को नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपका नोट मेकिंग हो गया। दूसरा, चैनल पर यदि आप नए हैं तो नोट मेकिंग समरी के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के जो नोट में हम समरी दिए हैं क्वेश्चन बैंक में, वो भी हमने हल करके डाले हैं। और दूसरा, रूल्स एंड रेगुलेशन विथ एग्जाम्पल वहाँ पर आपको मिलेंगे। अब सेक्शन बी की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे का अथवा है, ठीक है, ये था आपका से नो टू ड्रग्स के ऊपर पोस्टर है, तो कैसा बनाना चाहिए, कैसा बनना चाहिए वो आपको बनाना है। थोड़ा सा इसमें मिडिल ऑफ द पेज होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ स्टार बना हुआ है ना, ये स्टार यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए से नो टू ड्रग्स। तो कैसे लिखना है? डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली? इफ़ यस देन से नो टू ड्रग्स, है ना। ड्रग्स लीड्स लीड टू डिस्ट्रक्शन, ड्रग्स में थ्रिल बट दे ओनली किल। अब क्वेश्चन नंबर फोर आपका है, इस क्वेश्चन नंबर फोर में आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर कंपोजिशन है, तो देखिए इसको हम एक बार मैं अच्छे से पढ़ देता हूँ ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से याद हो जाएगा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, खेलकूद हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ फिजिक, मतलब हमारे शारीरिक क्षमता उसको डेवलप करता है, उसमें मदद करता है, एंड माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट के मस्तिष्क को भी ये डेवलप करने में हेल्पफुल रहता है। ए साउंड बॉडी पजेसेस ए साउंड माइंड, ऐसा कहा जाता है। साउंड का अर्थ होता है अच्छा, यहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है? अच्छा, मतलब एक अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर जो है, जिसका स्वस्थ शरीर रहता है उसका स्वस्थ दिमाग भी रहता है। साउंड माइंड साउंड बॉडी। व्हेन वी बिकम बोर्ड फ्रॉम द डेली रूटीन, जब हम हमारी रोज़मर्रा के रूटीन से बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, गेम्स रिमूव अवर मोनोटोनी, और उस समय फिर खेल जो है वो हमारे उबाऊपन को ख़त्म कर देता है। दे मेक अस फ्रेश एंड हैप्पी, और खेलकूद हमें ताज़ा और खुश रखता है, तरोताज़ा कर देता है। गेम्स मेक आवर बॉडी हेल्दी, खेल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। वी एक्सरसाइज आवर बॉडी वाइल प्लेइंग गेम्स, जब हम खेल खेलते हैं तो खेल खेलने के दौरान, वाइल का अर्थ होता है के दौरान, हमारी कसरत भी होती है। दिस एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, और ये जो कसरत है ये हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। गेम्स टीचेस अस मैनी गुड हैबिट्स, और खेल हमें बहुत से अच्छी आदतें सिखाता है। दे डेवलप कोऑपरेटिंग अमंग फेलो प्लेयर्स, और हमारे फेलो प्लेयर्स हैं जो, मतलब साथी खेलने वाले हैं, उनके साथ कैसे कोऑपरेट करना है वह भी हमें गेम से ही सीखने को मिलता है। इट आल्सो डेवलप इक्वलिटी
एंड ब्रदरहुड, इसमें समानता और भाईचारा भी हमें सीखने को मिलता है। इट टीचेस अस टू टेक विक्ट्री एंड डिफीट, टी है लास्ट में ये इक्वलिटी। खेलकूद हमें यह भी सिखाता है कि खुश मतलब जीत को किस हिसाब से एंजॉय करना है और डिफीट को कैसे हमें टेक करना है, दोनों में समानता हमें दिखाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये ग्रामर वाला पोर्शन था, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, उसके बावजूद भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और इनको नोट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर ये एप्लीकेशन थी है ना, तो एप्लीकेशन में थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट मतलब हो गया है, ऊपर कट गया है, तो आपने हालांकि उसको लिखा ही होगा, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और अपना जो क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। अब लेटर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, तो लेटर में क्या होता है कि जो सेंडर रहता है उसका एड्रेस सबसे ऊपर आता है, क्वेश्चन में यदि दिया जाता है तो वो हमें लिखना है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लें, नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें, जैसे भी चाहें। ठीक है, ये क्वेश्चन थे जैसे हाउ मच द गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, द बॉय इज़ नोन टू मी। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनको बहुत बार हमने किया हुआ है, और चाहें तो प्लेलिस्ट में आप उन क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो हमने की है, चाहे वो लाइव टेस्ट की बात हो या आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करवाई थी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ एक और आ रही है ना, ऐसे लिखना है COVID-19 पर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आउटलाइन लिखते हैं, आउटलाइन में जैसे इंट्रोडक्शन, हाउ डज COVID-19 स्प्रेड, सिम्टम्स, प्रिवेंशन ऑफ COVID-19, कंक्लूजन। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखना है देखिए, स्पष्ट शब्दों में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमें कोटेशन ले रहे हैं, वी शैल विन वार अगेंस्ट कोरोना, वी शैल डाइजेस्ट कोरोना। ठीक है, इसके बाद में और आगे बढ़े तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है, इंट्रोडक्शन को आप क्या कर लें, इसको वीडियो को रोक कर या फिर इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसको नोट कर लें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पास COVID-19 का ऐसे नहीं है। हालांकि इसको मैंने राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ही पहले करवा चुका हूं और एक एक शब्द वर्ड टू वर्ड उसको समझा कर मैंने करवा दिया है, तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लेना है ना, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वियर मास्क है ना, कंक्लूजन है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट अदर्स, अपने आप की सुरक्षा कीजिए यदि आप दूसरों की सुरक्षा करना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं। अल्टीमेटली द ग्रेटेस्ट लेसन दैट COVID-19 कैन टीच ह्यूमैनिटी इज दैट वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। ओके, वेरी गुड। अब सेक्शन डी की बात करें तो ये भी मैं ऑलरेडी आपको उसमें करवा चुका हूँ है ना। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया था आंसर ऑफ क्वेश्चन 12, मतलब 12वें क्वेश्चन का आंसर है जिसमें 7 कर्ण हैं, तो मीनिंग डिसेबिलिटी की बात है, तो सी वाज ए स्पेस्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर लेग्स एंड हैंड्स फ्रॉम बर्थ। ठीक है, स्वामी अरवसु वाज ए मोंक आर एसेंटिक, द अटायर ऑफ द अर्थ है लिखा हुआ है, द अटायर ऑफ द अर्थ इज द वाटर ऑफ द सी एंड ग्रीनरी ऑन द लैंड। क्वेश्चन नंबर 4 है तो बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आर द फर्स्ट विजिटर टू द फार्म, घासीस कंप्लेंट वाज दैट कांचेदी हैड स्टोलन हिज एग्स। बहुत अच्छे से हमने टेक्स्ट बुक को, वर्कबुक को एंजॉय करके आनंद के साथ हमने साल भर से तैयारी की है, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी तैयारी और जो भी मुझसे हो सका हेल्प मैंने आपकी करने की है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं इससे मदद मिली होगी। ठीक है, द गिव हर इंस्ट्रक्शन एस टू वेयर टू कीप हर थिंग्स व्हेन नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग द स्ट्रेंजर्स। लड़की को जब स्टेशन पर उसके पेरेंट्स छोड़ने आए थे तो उन्होंने उसको क्या क्या एडवाइस दी थी, इंस्ट्रक्शन दिए थे है ना, तो ये दिए थे कि क्या करना है, वस्तुओं को अपने हिसाब से उनको व्यवस्थित रखना है, खिड़की से बाहर झुकना नहीं है, लीन मतलब झुकना होता है ना, और स्ट्रेंजर्स को बात करने से अवॉइड करना है, ये सारी बातें हैं। वी शुड नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर हिज पुअर्टी है ना, बहुत अच्छे अच्छे जो हैं थॉट्स और क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी और पढ़ी हुई है, लाइफ टाइम आपको याद रहेंगे ना। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13, विद द प्लेमेट्स यू कैन हैव योर ओन वे बिकॉज दे नो
यू क्वाइट वेल बट विथ स्कूल मेट्स यू कैन नॉट डू दिस यू विल हैव टू कंसिडर देयर ओन नीड्स विल हैव टू एडजस्ट विथ देम। क्लासमेट्स और प्लेमेट्स के बीच की बात हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्किंग टूगेदर मेक्स ए टीम हॉल। फिर है कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ही आस्क अस नॉट टू ट्रस्ट द फ्यूचर हाउ एवर प्लीजेंट मे लुक एंड वी मस्ट नॉट फील रिग्रेट फॉर आवर पास्ट, है ना, फॉरगेट द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट, गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन आवर सेल्फ। और आगे बढ़ें तो चौथे क्वेश्चन का आंसर है, दे आर वर्किंग एंड डांसिंग है यहाँ पर, एंड डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो सेंट्रल आइडिया दिया गया है रिस्क का। अब रिस्क का सेंट्रल आइडिया क्या होगा, नो रिस्क नो गेन। गोज द सेइंग, मैन डज नॉट लिव ब्रेड अलोन सेज द बाइबल, नीड्स ऑफ मैन आर मैनी एंड ऑफ वेरियस टाइप्स, देयर फुलफिलमेंट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, देयर इज रिस्क इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ए मैन हु फियर्स टेकिंग रिस्क गेट्स नथिंग। सेंट्रल आइडिया है, मार्क फेम्स ने कहा है, क्या कहा है, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क, है ना, दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क यही है, रिस्क नहीं लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके क्वेश्चन आंसर किए हैं। ठीक है, इसमें एक वंडर ऑफ साइंस का निबंध आया था और COVID-19 का भी आया था, तो आप जो चाहें वो याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वंडर ऑफ साइंस, माफ़ कीजिएगा, COVID-19 का जो ऐसे है वह भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो आपने पढ़ा हुआ है या मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है उससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है, या फिर मुझे और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है ताकि मैं आपकी और हेल्प कर सकूँ। ठीक है, यदि आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो मैं मेरी जो मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं, या हो सकता है कि समझने में आपको कहीं ना कहीं कुछ डाउट लग रहा हो तो मैं उसमें और सुधार करने का प्रयास करूँगा। प्लीज़ कमेंट्स एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स रिलेटिव एंड क्लासमेट्स, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे एक चीज़ और चाहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मन लगाकर अच्छे से और तैयारी करें, क्योंकि ये जो साल है ये बहुत ही टिपिकल टाइप का वर्ष निकला है हमारा, तो धैर्य बनाए रखें, कीप पेशेंस, है ना, पेशेंस रखें और अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, एंड प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।